Friends, the topic for my today's video is little interesting and little confusing. It is about the two auxiliaries. These two auxiliaries at different place give different meaning. So let us learn which are the two auxiliaries. The two auxiliaries are shall and will. The use of shall and will is confusing to even the native speakers. Native speakers हम उन्हें कहते हैं जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है, ये उनके लिए भी confusing है. In US, shall is rarely used by the people. US में लोग अब shall का उपयोग बहुत कम करते हैं. But still, the use of shall is prevalent in UK and in India. लेकिन UK और इंडिया में अब तक इसका चलन है. So let us learn it in proper way. तो चलो इसे हम ढंग से सीखते हैं. Normally, shall is used with I and we. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी कि प्रथम पुरुष, उसके साथ में हम शैल का उपयोग करते हैं आई और वी के साथ. आई शैल कॉल यू सून, मैं तुम्हें जल्द ही बुलाऊंगा. वी शैल श्योरली अटेंड द मीटिंग, हम मीटिंग जरूर अटेंड करेंगे. आई शैल ट्राई टू रीच इन टाइम, मैं समय पर पहुंचने की कोशिश करूंगा. I shall never repeat this mistake again. मैं यह मिस्टेक या यह गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा. तो I और we के साथ में हम shall लगाते हैं. And for others will, बाकी सबके साथ हम will लगाते हैं. He will purposely remain absent, वो जानबूझकर अनुपस्थित रहेगा. They will cook food for us, वे हमारे लिए खाना बनाएंगे. He will arrange for the driver, वो ड्राइवर का बंदोबस्त करेगा. She will never meet you again, वो तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगी. तो he, she, it, they के साथ हम will का उपयोग करते हैं. Shall is used for offering. जब हम प्रस्ताव करते हैं या देव करते हैं तो उसके साथ में हम shall का उपयोग करते हैं. Shall I call him? क्या मैं उससे बुलाऊं? ये प्रस्ताव है. Shall I send you cake for your birthday? क्या मैं आपके जन्मदिन पर आपके लिए केक भेजूं? Shall I tell you the truth? क्या मैं आपको सच बताऊं? Shall I read this for you? क्या मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊं? तो यहाँ सब पर हम shall का उपयोग करते हैं. जहां पर भी offering होती है वहां पे हम shall का उपयोग करते हैं. Will for confirmation, जहां पे खातरी होती है, पुष्टि होती है, वहां पर हम will का उपयोग करते हैं. Will he call you? क्या वह तुम्हें बुलाएगा? Will he send you a bouquet for your birthday? क्या वह तुम्हारे बर्थडे के लिए, तुम्हारे जन्मदिन के लिए गुलदस्ता भेजेगा? Will I ever know the truth? क्या मुझे कभी सच का पता चलेगा? In case of emotions, भावना, promise, वादा and determination, इरादा, the order is reverse. यहाँ पे ऑर्डर उल्टा होता है. I will get good marks in this examination. मैं एग्जाम में अच्छे मार्क अर्जित करूंगा, ये मेरा इरादा है. तो यहाँ पे I के साथ will लगाया जाता है. We will not tolerate such nonsense. हम ऐसी बकवास सहन नहीं करेंगे. तो we के साथ will लगाया जाता है.
I will always be there with you in your bad times. मैं हमेशा तुम्हारे बुरे वक्त पर तुम्हारे साथ रहूंगा. तो यहाँ पे I के साथ will लगाया जाता है, ये वादा है. I will never forget his behavior. मैं उसका इस प्रकार का व्यवहार कभी नहीं भूलूंगा. इसमें इमोशंस है. इन केस ऑफ कमांड एंड ऑर्डर, जब कमांड होती है, ऑर्डर होती है, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं हम इसे. सेकेंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन, जिसमें यू, ही, शी, इट, दे आते हैं, उसमें शैल का उपयोग होता है. यू शैल फिनिश दिस बिफोर गोइंग, ये ऑर्डर है, तुम जाने से पहले ये खत्म करोगे. द पार्टी शैल नॉट टेक प्लेस एट माई हाउस, पार्टी मेरे घर पर नहीं होगी. आई वोंट अलाउ, ये ऑर्डर है, कमांड है. यू शैल बी पनिश्ड फॉर योर डीड्स, तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिलेंगी. ये डराना है, धमकाना है, डिटरेंट है. All shall wear helmet while riding. सबको हेलमेट पहनना पड़ेगा गाड़ी चलाते वक्त. तो ये रूल्स है, रेगुलेशन है, ये कमांड है, ऑर्डर है. तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ में शाल का उपयोग होता है. फॉर रिक्वेस्ट विल, जहां पे याचिका करते हैं वहां पे हम विल लगाते हैं. विल आई गेट ए ग्लास ऑफ वॉटर, क्या मुझे एक ग्लास पानी मिलेगा. विल यू हेल्प मी विथ माई प्रोजेक्ट, क्या तुम मेरे प्रोजेक्ट में मुझे मदद करोगे. विल यू रीड दिस फॉर मी, क्या आप मुझे ये पढ़ के सुनाओगे. फॉर ऑफर शैल, जहां पे भी हम प्रस्ताव करते हैं वहां पे हम शैल का उपयोग करते हैं. शैल आई गेट यू ए ग्लास ऑफ वॉटर, क्या मैं आपके लिए एक ग्लास पानी ले आऊं. शैल वी हेल्प यू विथ योर प्रोजेक्ट, क्या हम आपको आपके प्रोजेक्ट में मदद करें. शैल आई रीड इट फॉर यू, क्या मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊं. फॉर ऑफर एंड सजेशन इन क्वेश्चन विल ही नॉट यूज, जहां पे भी ऑफर होती है या सजेशन होता है क्वेश्चन में वहां पे विल का उपयोग नहीं किया जाता है. शैल वी हैव ए पार्टी टू नाइट, क्या आज रात हम पार्टी रखें. शैल वी गो फॉर ए वॉक इन द इवनिंग, क्या हम शाम को टहलने चलें. शैल आई रोल द चपाती फॉर यू, क्या मैं आपके लिए चपाती रोल कर दूं. शैल आई हेल्प यू टू कैरी द बैग, क्या मैं आपको बैग ले जाने में मदद करूं. तो पहला वाला जो है शैल वी हैव ए पार्टी टू नाइट, ये सजेशन है. शैल वी गो फॉर ए वॉक इन द इवनिंग, ये सजेशन है. शैल आई रोल द चपाती फॉर यू, ये ऑफर है. शैल आई हेल्प यू टू कैरी द बैग, ये ऑफर है. तो यहां पे हम विल का उपयोग नहीं करते हैं, सिर्फ शाल का उपयोग करते हैं. विथ थर्ड पर्सन शाल इज यूज्ड फॉर प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट एंड वार्निंग. जब भी हम थर्ड पर्सन के लिए शाल यूज करते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, दे, तो यहां पे हम शाल को वादा, इरादा, डराना, धमकाना या किसी को वार्निंग देने के लिए हम यूज करते हैं. जैसे ही शैल वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, उसे मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे मार्क्स लाने के लिए. शी शैल क्लियर योर ड्यूज ऑन सैटरडे, वो सैटरडे तक आपके पैसे लौटा देगी. एनी वन फाउंड मिसबिहेविंग शैल बी पनिश, कोई भी गलत व्यवहार करते हुए पकड़ा गया तो उसे सजा मिलेगी. विथ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन फॉर बाइंडिंग और फोर्स, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ हम उसको बाइंडिंग और फोर्स, जबरदस्ती के लिए भी यूज करते हैं. यू शैल गो टू मीट हिम टुमारो, तुम उससे कल मिलने जाओगे,
ये हम उसे जबरदस्ती भेज रहे हैं। शी शैल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय मंडे, उसे मंडे तक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देना चाहिए, ये बाइंडिंग है। विल विथ फ्यूचर एक्शन, विल को हम फ्यूचर एक्शन के साथ करेंगे, होगा उसके साथ यूज करते हैं। आई विल पे यू ऑन सैटरडे, प्रॉमिस, मैं तुम्हें सैटरडे तक पैसे दे दूंगा, तो ये प्रॉमिस है। आई विल विजिट यू सून, ये प्रॉमिस है, मैं जल्द ही तुमसे मिलने आऊंगा, तो यहाँ पे हम विल का उपयोग करते हैं। आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा, ये डराना धमकाना है। आई विल नॉट स्पेयर यू, मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये डराना धमकाना है। आई विल नेवर विजिट हिम अगेन, मैं उससे फिर कभी नहीं मिलने जाऊंगा, ये इरादा है। आई विल बिकम ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा, ये इरादा है। यहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ विल लगा रहे हैं। फॉर हैबिट्स विल, जहां पे आदत से मजबूर होते हैं उसके लिए विल लगाते हैं। ही विल स्पीक इन बिटवीन, वो बीच में बोलेगा, यहाँ पे हम विल लगाते हैं। शी विल बोस्ट अबाउट हर सन, वो अपने बेटे के बारे में बढ़ाई मारेगी, ये विल लगाया जाता है। ही विल स्मोक आफ्टर डिनर, वो डिनर के बाद में सिगरेट पिएगा, ये आदत है, यहाँ पे हम विल का उपयोग करते हैं। विल इज यूज्ड विथ इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड, जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देते हैं हम किसी को कमांड देते हैं, वहां पे हम विल का उपयोग करते हैं। ऑल विल राइट विथ ब्लैक पेन, सब काली स्याही से लिखेंगे। यू विल फिनिश दिस वर्क बिफोर लिविंग, तुम जाने से पहले ये काम खत्म करोगे। आई विल कीप पोस्टिंग वीडियोस, ये जसपाल रावत का इरादा है कि मैं वीडियोस पोस्ट करते रहूंगा। दोस्तों, अब तक आपके बहुत सारे शल और विल के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए हैं तो एक बार फिर देखो वीडियो, नोट डाउन करो कहाँ पे शल लगता है, कहाँ पे विल लगता है, और आगे से शल और विल का सही उपयोग करो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा कोई आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, और वादा कीजिए कि आप सब सेंटेंसेस याद करोगे। थैंक यू, कीप लर्निंग, हैव ए नाइस डे।